देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा से निकलने वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चैनल नंबर 132+100 कुदरैल पर पुलिस चौकी का आईजी जोन कानपुर प्रशांत कुमार जी ने फीता काट के किया उद्घाटन। उद्घाटन के समय आईजी प्रशांत कुमार, जयप्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा SPRA ओमवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भरथना साधुराम सैफई, CO विजय सिंह के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बताते चले कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 132+100 पर पुलिस चौकी कुदरैल इटावा का निर्माण कराया गया है, जिसकी स्वीकृत लागत 174.14 लाख में बनकर तैयार हुई है। चौकी का कार्य प्रारंभ 1 अक्टूबर 2019 को हुआ था। चौकी का निर्माण कराने वाली संस्था CNDS यूनिट फरुखाबाद UP लखनऊ है। संस्था के परियोजना प्रबंधक इंजीनियर RC भारती UP के अधिशासी अभियंता इंजीनियर MK सिंह है। उसराहार से गौरव शाकी की रिपोर्ट। किस तरह के चौकी यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से हरने की बनी है और ये इटावा की ऐसी पहुँच है और इटावा जनपद इसका प्रमुख काम जो होगा ये चौकी क्षेत्र में जो सड़क क्षेत्र है इस 40 किलोमीटर क्षेत्र जो भी चौकी क्षेत्र में इनका चौबीस क्षेत्र का रेस्क्यू एंड रिलीफ में बड़ा योगदान होगा। उसके लिए हम लोग इस चौकी के संसाधन जो हैं वो जल्दी ही उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ कुछ कर्मियों की पोस्टिंग हो गई है और गाड़ी भी हमें कुछ हो गई है। अन्य संसाधन धीरे धीरे अभी कितनी चौकियाँ बनी है हाईवे पर? हाईवे पे के सारे लंबे स्ट्रेच पे और इसी तरह दूसरे तरफ भी बनेंगी। तो इस तरह से बेसिकली एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स होंगे या कोई दुर्घटना न घटे बट दुर्घटना घटने की संभावनाओं को देखते हुए और पहले भी हुई है दुर्घटना उनकी रोकथाम और उनकी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए महिला कर्मचारी समय के साथ हम लोग महिला कर्मचारी भी यहाँ पोस्ट करेंगे। सर क्या इस चौकी से क्षेत्रीय लोगों को या थाने से ही संपर्क करेंगे या चौकी से? प्राइमरी ये हाईवे पे बनी है, आप देख रहे हैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हाईवे की सुरक्षा है। उसके अलावा जो चौकी क्षेत्र के गाँव आएंगे उनके लिए देखेंगे। सर जो आपके करकमलों द्वारा ये जो चौकी का आज अनावरण दिया गया है उसको लेकर जनता को मैं आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ये बेसिकली हमारे लिए है कि हम लोगों को यहाँ पर सफल करना पड़ेगा, हमें रेस्क्यू रिलीफ वर्क में निपुणता हासिल करनी पड़ेगी ताकि अगर कोई घटना दुर्घटना हो तो हम सही तरीके से रेस्पॉन्स करें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।